हेलो एवरीवन, आज के मैं शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा फेस पैक। गाइस, हम जब भी स्किन केयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा स्किन केयर एकदम परफेक्ट जा रहा है। यस, परफेक्ट तो जाता है, बट हमें और लोग ये भी सोचते हैं कि स्किन का सिर्फ गोरा होना ही काफ़ी है। बट नो, स्किन का सिर्फ गोरा होना काफ़ी नहीं है। हमारे स्किन पे रिंकल्स है, पिंपल्स है, हमारी फाइन लाइंस है, एजिंग आ रही है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत। स्किन अगर गोरी है और आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑड है। हमारा सिर्फ और सिर्फ गोरी त्वचा है, और अगर हमारे फेस पे रिंकल्स है, पिंपल्स है, फाइन लाइंस है, तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। सो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ हमारे फेस की जो भी टाइटनिंग है उसके बारे में। हमारी फेस की टाइटनिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर हमारी फेस टाइट नहीं है तो धीरे 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 वो टाइम से पहले एजिंग आ जाती है। तो स्किन को टाइटनिंग करने के लिए मैं एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी और साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग भी हो जाएगी, आपके पोर्स के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, साथ ही स्क्रबिंग भी हो। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारी किचन में अवेलेबल है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बना रेमेडी के लिए चाहिए हमें 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर एंड 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप चाहो तो कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। और इसमें ऐड करना है थोड़ा सा वाटर, इसे मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही जेंटली अप्लाई करना है, बिकॉज इसमें राइस फ्लावर ऐड किया मैंने तो वो एकदम स्क्रबिंग का काम करता है, तो एकदम धीरे धीरे बहुत ही जेंटली मसाज करना है। कॉफ़ी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट करता है, ये एक्सफोलिएट का भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिससे हमारे फेस पे कोई भी रिंकल्स नहीं आती, स्किन को बहुत ही अच्छे से टाइट करता है और स्किन के शेड को भी चेंज कर देता है। आपकी स्किन के जो भी टोन है वो एक दो शेड लाइटनिंग हो जाएगी। पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करके 3 से 4 मिनट तक रब करना है, उसके बाद उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब इसे वॉश करना है। इससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है और हमारी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इसे वीक में बस एक बार अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज स्क्रब एक बार ही करना है आपको वीक में। और मैंने जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है वो दोनों स्क्रब की तरह ही वर्क करता है आपके फेस पे, क्योंकि राइस फ्लावर जो है वो हमारे स्किन के लिए एक नेचुरल स्क्रब है। इसलिए हफ्ते में बस इसे एक बार ही यूज़ करें और इसे यूज़ करने के बाद 10 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट हो चुके हैं और फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है। इसे हल्का हल्का स्क्रब करके मैं नॉर्मली वाटर से धो लूँगी। इसे बहुत ही हल्का करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के नहीं करना है। एंड देन मैंने फेस को कर लिया है नॉर्मली वाटर से वॉश और फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है, बहुत ही इंस्टेंटली वॉक किया है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट।